जनवरी 2023 में भयंकर बॉक्स ऑफिस क्लैश होने जा रहा है। प्रभास की आदि पुरुष 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है। मकर संक्रांति के मौके पर चिरंजीवी की मेगा 154 भी रिलीज के लिए शेड्यूल है। विजय की वारिसु भी जनवरी 2023 में रिलीज के लिए शेड्यूल बताई जा रही है। और लेटेस्ट जानकारी ये है कि नंदमुरी बालकृष्णा की वीर सिम्हा रेड्डी भी 2023 में संक्रांति के मौके पर ही सिनेमाघरों में उतरेगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में दिवाली मनाते हैं, साउथ में मकर संक्रांति के मौके पर वैसा ही फेस्टिव माहौल रहता है। इसलिए फिल्मों की रिलीज के लिए साल का सबसे मुफीद और मुनाफेमंद समय माना जाता है। इस डेट पर अनाउंस होने वाली पहली फिल्म थी ओम राउत डायरेक्टेड आदि पुरुष। ये रामायण पर बेस्ड फिल्म है। इसमें प्रभास, सैफ अली खान और कृति सैनन लीड रोल्स कर रहे हैं। टीजर आ चुका है और भारी ट्रोलिंग का शिकार भी हो चुका है। इसे 500 करोड़ रुपए के बजट पर बनी फिल्म बताया जा रहा है। दूसरी फिल्म है मेगा 154। ये मेगा स्टार चिरंजीवी के करियर की 154th फिल्म है। इस फिल्म में चिरंजीवी के साथ मास महाराजा रवि तेजा भी पैरेलल लीड रोल कर रहे हैं। फुल पावर मास एंटरटेनर बताई जा रही है। इसमें चिरंजीवी के ऑपोजिट श्रुति हासन नजर आने वाली हैं। फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी देवीश्री प्रसाद को दी गई है। चिरंजीवी की पिछली दो फिल्में बुरी तरह से पिटी हैं, इसलिए इस फिल्म को सफल बनाने के लिए हर मसाले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिल्म भी संक्रांति के मौके पर रिलीज होने जा रही है। तीसरी फिल्म है वारिसु। थलपति विजय स्टारर ये एक फैमिली एंटरटेनर बताई जा रही है। वामसी पेडुपली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में विजय के साथ रश्मिका मंदाना भी नजर आने वाली हैं। विजय की पिछली फिल्म बीस्ट उतनी सफल नहीं हो पाई, जिसकी उम्मीद विजय की फिल्मों से अक्सर लोगों को होती है। इस चीज ने उनके स्टारडम में डेंट मारा, इसलिए अब वो उस किस्म की फिल्में कर रहे हैं जैसी एक दौर में वो किया करते थे। पारिवारिक फिल्म जिसमें कॉमेडी, एक्शन और रोमांस सब होगा। मल्टी जॉनर फिल्म जिसमें हर तबके के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होगा। वारिसु 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। चौथी फिल्म है वीर सिम्हा रेड्डी। ये एक्शन फिल्म है जिस पर पुष्पा के प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाया है। इस फिल्म में नंदमुरी बालकृष्णा लीड रोल कर रहे हैं। उनके साथ फिल्म में श्रुति हासन और वारालक्ष्मी शरद कुमार जैसे एक्टर्स नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को विनर और क्रैक जैसी फिल्में बनाने वाले गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया है। कुछ ही समय पहले फिल्म के टाइटल के साथ इसकी रिलीज डेट अनाउंस की गई है। इसे साल 2023 में संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जाएगा। इन चार फिल्मों का एक साथ रिलीज होना पिछले कुछ सालों में हुए सबसे बड़े क्लैश की तरह देखा जा रहा है। इसमें ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे छोटा कहा जा सके। हर फिल्म सुपरस्टार से लेस है, जिन्होंने हमें पहले कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऐसे में ये कह पाना भी मुश्किल है कि कौन सी फिल्म टिकट खिड़की पर बेहतर परफॉर्म करेगी। हालांकि एक चीज तो तय है कि इन फिल्मों के साथ रिलीज होने से सभी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनके एक साथ सिनेमाघरों में उतरने से सभी फिल्मों के स्क्रीन काउंट कम हो जाएंगे। फिल्में जितनी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होंगी उतनी बड़ी ओपनिंग। हालांकि इसमें दर्शकों का फायदा भी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो चुन सकते हैं कि आखिर उनको कौन सी फिल्म देखनी है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं अर्षिता, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।